कुक्षी में भाजपा विधानसभा कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय भवन में भाजपा प्रत्याशी जयदीप पटेल द्वारा प्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में आयोजित की गई। भाजपा मीडिया सभी प्रभारी मनीष भावसार ने कुक्षी जानकारी देते हुए के बताया कि पत्रकार प्रेस बंधु, ब्रीफिंग के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी जयदीप पटेल ने पत्रकारों से कहा कि विधानसभा चुनाव पास आते ही कांग्रेस द्वारा झूठ का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। वर्तमान विधायक अपनी फेसबुक आईडी व सोशल मीडिया पर चूना फैक्ट्री को लेकर मोगरा, भीमपुरा, खेड़ली, बामन, बैड़ी, तलावड़ी की आदिवासी जनता को डर बताते हुए जन आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, जबकि फैक्ट्री लगने संबंधित मेरी जानकारी में ऐसा कोई आदेश देखा नहीं गया। विधायक द्वारा चूना फैक्ट्री को लेकर क्षेत्र की आदिवासी जनता में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह झूठ है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के हक के लिए पैसा अधिनियम के अंतर्गत सारे अधिकार उन्हें दे रखे हैं। बिना ग्राम सभा के कोई चूना फैक्ट्री लग नहीं सकती। यदि ऐसा कुछ है तो आदेश की कॉपी जनता के सामने बताएं। वहीं मेरे द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। रही बात आंदोलन की, तो बता दें विधायक जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे। उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं तो अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। क्षेत्र की जनता से अपील है कि ऐसे किसी झूठ में ना आए। मैं आप सभी के साथ हर समय खड़ा हूँ। सभी कुक्षी के पत्रकार बंधुओं, आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी सरकार के द्वारा चुनाव फैक्ट्री जो लग रही है उसके लिए आरोप लगाया था, उसके लिए आज उन्होंने आंदोलन किया है। तो आंदोलन के साथ में गांव के लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। तो मैं विधायक जी से आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, गांव की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि 15 नवंबर 2022 को जो जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है,